आज की क्लास में हम टिपिकल वर्ट, वर्टिप्री का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे टिपिकल वर्टिब्री जो होती है वर्टिब्रा जो होता है टिपिकल वर्टिब्रा उसका एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और उसमें एक सेंट्रम होता है जो कि रिप्लेस करता है या एनक्लोज करता है नोटोकॉट को सेंट्रम के जस्ट ऊपर न्यूरल आर्च होती है न्यूरल आर्च और न्यूरल आर्च के बीच में एक न्यूरल कैनाल होती है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास होती है न्यूरल आर्च डॉर्सली कंटिन्यूड रहती है अ मीडियन न्यूरल स्पाइन टेल रीजन में हम देखें तो सेंट्रम के जस्ट नीचे एक हीमल आर्च होती है और हीमल आर्च के बीच में एक हीमल कैनाल होती है और ये हीमल कैनाल जो होती है इसके थ्रू हीमल कैनाल के थ्रू कॉर्डल आर्ट्री और वेन पास होती है हीमल आर्च जो होती है नीचे अगर आप देखें ये कंटिन्यूड है इसमें हीमल स्पाइन में तो ये टिपिकल वर्टिब्री का स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल बॉडी सेंट्रम सेंट्रम के ऊपर न्यूरल आर्च न्यूरल आर्च के बीच में न्यूरल कैनाल न्यूरल कैनाल न्यूरल आर्च डॉर्सली कंटिन्यूड इन न्यूरल स्पाइन टेल रीजन में सेंट्रम के नीचे हीमल आर्च है हीमल आर्च में हीमल कैनाल है और हीमल आर्च नीचे की तरफ कंटिन्यूडेंटू हीमल स्पाइन इसके अलावा कई प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें वर्टिब्री के जिन्हें हम एपोफाइसिस कहते हैं वर्टिब्री से कई प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें हम एपोफाइसिस कहते हैं और ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो अलग अलग प्रकार के होती हैं जैसे एक होता है ज़ैगेपोफाइसिस, जैगेपोफाइसिस जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जैगेपोफाइसिस है तो जैगेपोफाइसिस पेयर्ड आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं फॉर दी सक्सेसिव वर्टिब्रा आर्टिकुलर फेसेट सक्सेसिव वर्टिब्रा के लिए होते हैं तो ये जैगेप्पोफाइस होते हैं और ये न्यूरल आर्च जो होती है उसके बेस से ये निकलते हैं न्यूरल आर्च के ये बेस से निकलते हैं ये दो टाइप के होते हैं एक होता है प्री जैगेप्पोफाइसिस प्री जैग्फोफाइसिस एंटीरियर प्रोसेस होते हैं जो ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं और दूसरा होता है पोस्ट पोस्ट जैगेपोफाइसिस जो पोस्टीरियर प्रोसेस होते हैं और नीचे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं डाउनवर्ड्स पॉइंट करते हैं दूसरे जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस भी पेयर्ड होते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं एक होता है डायपोफाइसिस डायपोफाइसिस ट्रांसफर्स प्रोसेसेस वो ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होते हैं जो कि न्यूरल आर्च से या सेंट्रम से निकलते हैं और जो डबल हेडेड वर्टिब्री होती है बिसिपिटल वर्टिब्रा जो होती है डबल हेडेड होती है रिब सॉरी बिसिपिटल रिब या डबल हेडेड रिब का जो अपर हेड होता है जिसे ट्यूबर क्यूलम कहते हैं उससे आर्टिकुलेट करती है दूसरे टाइप का जो ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है वो होता है पैरापोफाइसिस ये भी सेंट्रम से निकलता है परंतु ये डबल हेडेड रिप की हेड से ये कैपिचुलम से आर्टिकुलेट करता है थर्ड टाइप का ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है बेसिपोफाइसिस ये वेंट्रोलेट्रल प्रोसेस होते हैं जो कि सेंट्रम से निकलते हैं और ये हीमल आर्ट से आर्टिकुलेट करते हैं अगर हीमल आर्ट प्रेजेंट होती है तो उससे ये आर्टिकुलेट करते हैं फिर नेक्स्ट है प्लोरेप्पोफाइसिस लेटरल प्रोजेक्शंस होते हैं सेंट्रम के और इससे शॉर्ट रिब्स फ्यूज़ होती हैं छोटी छोटी रिब्स होती हैं वो इससे फ्यूज़ होती हैं फिर थर्ड प्रोसेस जो वर्टिब्रा से निकलता है वह है हाइपेपोफाइसिस हमने अभी तक दो पढ़े हैं जैरेप्पोफाइसिस और ट्रांसफर्स प्रोसेसेस और थर्ड जो है वो है हाइपेपोफाइसिस हाइपोफाइसिस मिडवेंट्रल प्रोसेस है ये प्रोजेक्शन है जो सेंट्रम से निकलते हैं ये अनपेयर्ड होता है जबकि हम देखते हैं जैगेपोफाइसिस जो होते हैं ये पेयर्ड हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और ट्रांसफर्स प्रोसेस भी पेयर्ड होते हैं जबकि जो हाइपेपोफाइसिस है होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं और मिड वेंट्रली सेंट्रम से ये निकलते हैं तो ये हमने टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर पढ़ा उससे निकलने वाले प्रोसेसेस पढ़े हैं वर्टिब्रा से नेक्स्ट हमने हम इसमें टाइप्स ऑफ सेंट्रा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंट्रा चार मेनली फाइव टाइप्स ऑफ सेंट्रम हम देखते हैं एम्फीसीलस प्रोसीलस ओपिस्टोसीलस और एसीलस और हिट्रोसीलस तो एम्फीसीलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा जो होती है उसमें जो सेंट्रम होता है वो कॉनकेव होता है दोनों एंड्स पर जैसे कि हम यहाँ देख देख रहे हैं सेंट्रम कॉनकेव एट बोथ द एंड्स इट इज द एम्फीसीलस टाइप ऑफ सेंट्रम एंड दिस टाइप ऑफ सेंट्रम इज फाउंड इन द एर्थ वर्टिब्रा ऑफ रॉक मोस्ट ऑफ दोनी फिशेज और इलेसमोब्रेंग फिशेज में इस प्रकार का सेंट्रम पाया जाता है सेकेंड टाइप ऑफ सेंट्रम इज द प्रोसिलस सेंट्रम एंड इस सेंट्रम में हम देखें तो एंटीरियरली जो सेंट्रम होता है वह कॉन्केव होता है कॉन्केव एट द एंटीरियर एंड बट कॉन्वेक्स एट द पोस्टीरियर एंड And this type of centrum is found in most of the reptiles and it is also found in the typical vertebra of frog. Third type of centrum is the opisthocelous type of centrum. Opisthocelous type of centrum is anteriorly convex, posteriorly concave. एंटीरियर एंड पे सेंट्रम कॉन्वेक्स होता है और पोस्टीरियर एंड पे कॉन्केव होता है एंड दिस टाइप ऑफ सेंट्रम इज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप इट इज़ फाउंड मोस्टली इन टेल्ड एम्फीबिया एंड यूरोडीला ऑलमोस्ट आप देखें पर्टिकुलरली हम देखेंगे टेल्ड डेम्फीबिया और यूरोडिला में इस प्रकार का सेंड्रोम पाया जाता है नेक्स्ट इज ए सील्स टाइप ऑफ सेंट्रम ए सील्स टाइप ऑफ सेंड्रम में जो सेंट्रम होता है इट इज फ्लैटेंड एट बोथ द एंड सेंट्रम इज फ्लैट एट बोथ द एंड एंड दिस टाइप ऑफ सेंट्रम इज द टिपिकल ऑफ द मैमल्स मैमल्स में इस प्रकार का सेंट्रम पाया जाता है मैमल्स की वाटिवरी में इस प्रकार का सेंट्रम हम देख सकते हैं नेक्स्ट इज द

और इस प्रकार का सेंट्रम सेंट्रम बर्ड्स की वर्टिब्री में पाया जाता है तो आज की क्लास में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है टिपिकल वर्टिब्रा का और डिफरेंट टाइप के सेंट्रम्स हमने पढ़े हैं